वेलकम टू पाठक की। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स सी सेकंड सेम ऑर्गेनिक का एक टॉपिक, ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी, किसका? बेंजीडीन का। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके एमएससी थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेंजीडीन का ओरिएंटेशन हर बार तो नहीं लेकिन पूछा जाता है, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का। ओके, तो काफ़ी ईजी है, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। देखो क्या होता है, इन बेंजिंग रिंग ऑल द हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम आर इक्वल, सो अ ग्रुप अटैच टू बेंजीन कैन बी रिटन एट एनी पोजिशन बट इस जनरली रिटन एट द टॉप ऑफ बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन में ये कार्बन एटम होते हैं ना और हाइड्रोजन एटम होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। जैसे कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सेम कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन सेम कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन सेम ही सेम है। बट नंबरिंग की अगर बात करें तो हमेशा फ्रंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ फिफ्थ पोजिशन आर लेफ्ट फॉर नेक्स्ट कमिंग ग्रुप इन बीच। देखो उसके बाद क्या होता है, द पोजिशन 2 और 6 आर इक्विवेलेंट एंड आर कॉल्ड आर्थ पोजिशन। तो 2 और 6 से नंबरिंग कहाँ से, यहाँ से वहाँ फ्रंट कार्बन से 1, 2, 3, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए और ये 6 हो गए। तो 2 और 6 से क्या हो रहा है, दोनों इक्वल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्थ पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार द पोजिशन 3 और 5 आर इक्विवेलेंट एंड आर कॉल्ड मेटा पोजिशन। ये 3 और जो 5 है वो मेटा हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना, बहुत इसमें कन्फ्यूज होते हैं लोग कि इसको आर्थो मेटा पैरा ही बोलते हैं, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, आर्थो पैरा मेटा कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना, ओ एम पी के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, ओ एम पी फॉर्म में आर्थो मेटा पैरा। ओके, देन लास्ट क्या होता है, द पोजिशन 3 और 5, मतलब ये वाला 3 और 5 क्या होता है, मेटा होता है, ये तो हो गया था। देन नेक्स्ट है द पोजिशन 4 और ये वाला पोजिशन, ठीक है, 1 वाला इज इक्विवेलेंट एंड पैरा पोजिशन, ये किस में क्या होता है, पैरा पोजिशन पे, ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होता है, इफ अ ग्रुप इज ऑलरेडी अटैच विद बेंजीन रिंग देन द नेक्स्ट कमिंग ग्रुप कम टू आइदर ऑर्थो पैरा पोजिशन या फिर मेटा पोजिशन, कोई भी पोजिशन पर आ जाता है, ठीक है। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो जो कि अपकमिंग ग्रुप है वो आर्थो मेटा फिर पैरा ग्रुप में आके ऐड होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, शॉर्ट में आता है 2 मार्क्स का ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन रिंग का आपके थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।